हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और स्वागत है आपका इन्फोमटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वीडियो एक सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है मार्केटिंग का। इसके अलावा आप किस टाइप्स के वीडियोस बना सकते हैं, उन्हें कहाँ अपलोड करना है और इन सारे वीडियोस को आप कैसे अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके पास में दिए गए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे हर आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2018 में हमारे इंडिया में करीब 432 मिलियन 4G स्मार्टफोन यूजर्स थे, जो कि 147% ज्यादा है कंपेयर टू 2017। तो इससे हमें पता चलता है कि लोगों ने कितना सारा डेटा यूज किया होगा। इन टोटल डेटा कंजम्पशन का जो 10-12% कंट्रीब्यूशन था, वो था सोशल मीडिया का। इसके अलावा 12-14% जो डेटा यूज हुआ, वो था ब्राउजिंग के लिए। और सबसे ज्यादा 70-80% जो डेटा कंजम्पशन हुआ, वो था वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। तो इसीलिए वीडियोज आज कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका बन चुका है। तो कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो वीडियो प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं कर सकता। आप वीडियोस का इस्तेमाल लीड जनरेशन और कन्वर्जन दोनों के लिए कर सकते हैं, चाहे आप B2B हो या B2C हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है, वो ऐसी विजुअल इन्फॉर्मेशन को 60% फास्टर प्रोसेस करता है कंपेयर टू की कोई रिटन इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए वीडियोस आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे आप कोई फ्रीलांसर हो, कोई स्मॉल बिजनेस हो या फिर मल्टीनेशनल बिजनेस हो, वीडियोस इज अ वे टू गो। तो चलिए देखते हैं कि आप किस टाइप्स के वीडियोस बना सकते हैं, उन्हें कैसे यूज करना है और उन्हें कहाँ अपलोड कर सकते हैं। जो पहला वीडियो टाइप है वो है ब्रांड वीडियो। चाहे आप कोई फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेस हो या फिर मल्टीनेशनल बिजनेस हो, आपके पास आपका एक ब्रांड वीडियो होना ही चाहिए। ये एक ऐसा वीडियो होता है जो कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो उसे पता चले कि एक्चुअली आप कौन हो, आप कैसे काम करते हो, आपके गोल्स क्या है और उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, वो उसे पता चले। ये एक छोटा सा वीडियो होता है, करीब 1-1.5 मिनट तक का मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और ये वीडियो ऐसा होना चाहिए, एकदम कंपेलिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। और इस वीडियो को आप अपनी वेबसाइट, आपके कोई सोशल मीडिया के पेजेस, ब्लॉग्स, उसमें यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो सबसे टॉप पे होना चाहिए, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर कोई पेजेस हो। और इसके अलावा इस वीडियो का इस्तेमाल आप ईमेल के सिग्नेचर के रूप में भी कर सकते हो। मतलब कि ये एक मेन वीडियो है जो आपको इंट्रोड्यूस करता है लोगों से। दोस्तों, जो दूसरा वीडियो टाइप है वो है प्रोडक्ट या फिर सर्विस वीडियोस। कोई भी बिजनेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइप्स होता है, क्योंकि ये आपका मेन कंटेंट होता है और ऐसे वीडियोस को आप लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो तो आप आपके प्रोडक्ट के डेमोस के वीडियोस बना सकते हैं और ऐसे वीडियोस के थ्रू आपको व्यूअर्स को ये बताना है कि क्यों आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, ऐसे कौन से फीचर्स है, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिससे कस्टमर आपके पास आए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाए। और अगर सर्विस बेस्ड कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपको ये बताना है कि क्यों आपकी सर्विस दूसरे से अच्छी है, जैसे कि आपके पास कोई बहुत स्किलफुल टीम है या फिर एक्सपीरियंस टीम है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं। जो तीसरा वीडियो टाइप है वो है टीजर या फिर ट्रेलर वीडियोस। अगर आप कोई प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाले हो, कोई इवेंट आपको होने वाला है या तो फिर आप कोई नई ऑफर्स लाने वाले हैं, तो इससे पहले आप इस टाइप्स के वीडियोस बना सकते हैं। ऐसे वीडियोस का जो मेन मकसद होता है वो है हाइप को क्रिएट करना, ताकि एक्चुअली में जब कोई चीज लॉन्च हो तो व्यूअर्स जो है वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद का जो वीडियो टाइप है वो है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स वीडियो। इस टाइप के वीडियोस भी आपके पूरे वीडियो कलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
कस्टमर टेस्टिमोनियल्स वीडियोस का यूज ज्यादातर B2B में होता है, B2B बायर्स को अटैक करने के लिए। ऐसे वीडियोस का इस्तेमाल आप फॉलो अप ईमेल्स में कर सकते हो या फिर आपकी जो सेल्स फनल होती है उसके एंड में भी कर सकते हो। इसके अलावा जब बायर्स आपके पास से कुछ परचेस करता है तो उसके डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए भी ऐसे वीडियोस आप उसको भेज सकते हो। दोस्तों जो पांचवा और सबसे आखिरी वीडियो टाइप जो कि आपके वीडियो कलेक्शन में होना चाहिए वो है इंटरनल ट्रेनिंग वीडियो। मुझे पता है कि इसका वीडियो मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो टाइप है जो हर बिजनेस के पास होना ही चाहिए। हम सब जानते हैं कि बिजनेस इज अ टीम स्पोर्ट और बेस्ट टीम विंस। जिसके पास बेहतरीन टीम है वो ही आगे बढ़ेगा। तो आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी टीम या फिर आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट में या फिर कल्चर डेवलपमेंट में, या फिर आपका कोई नया प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइन आई है, कोई ऑफर्स आने वाली है उसके लिए भी आप वीडियो के थ्रू उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। जरा सोचिए कि आपका बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है और आपके एम्प्लॉइज और टीम पूरी इंडिया में फैली हुई, तो आपको कुछ अगर ट्रेनिंग देनी होगी तो आपको सबको बुलाना पड़ेगा फेस टू फेस। इससे अच्छा है उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर ऑफर के बारे में एक एक्सप्लेन करने वाला वीडियो आप उसको भेज दीजिए, तो वो ट्रेनिंग आप बैठे बैठे उसको करवा देंगे। तो ये इतना इफेक्टिव है कि आपको ये यूज करना ही चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है वो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो भी आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी धमाकेदार वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।